हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक वीडियो जिसमें कि हम जो है प्राण स्वेटर जो बुनाते हैं सिलाई या क्रोशिया से, तो कभी कभी वो स्वेटर ठीक नहीं बनते या फिर पुराने हो जाते हैं। हम उसको एक दो बार पहनते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, तो हम चाहते हैं कि उनको दोबारा से बनाया जाए। तो जब हम उनको खोल लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह के वो वेवी टाइप बन जाते हैं उनमें। तो जब हम इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे तो उसमें इतनी जो है ग्रेस नहीं आती और नीट नहीं बनते। तो मैंने ये जो एक मेरा पुराना स्वेटर था इसको खोल के रखा हुआ है, और ये मैंने इस टाइप का ये गोला बनाया हुआ है। और ये देखिए, गोले से मैंने इसको फिर से एक लच्छे में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिस तरह हम मार्केट से लेकर आते हैं, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। तो इसको सही करने का, एकदम नई बनाने का, ऊन को बिल्कुल एकदम सीधा करने का मैं तरीका आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऊन थी ये बिल्कुल ऐसी ही थी। तो ये देखिए, बीच में अभी है भी, तो मैंने इसको दिखाने के लिए अच्छे से नहीं किया। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो एकदम ये देखिए, आप फ़र्क देख सकते हो, एकदम नई की जैसी हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है। तो ये मैंने कैसे किया है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक मैंने इस लच्छे को सीधा किया है और एक ये लच्छा है मेरे पास, और इसको मैंने ऐसे, जैसे लच्छा मार्केट से लाते हैं, एकदम नॉट लगाकर इसको मैंने ऐसे सीधा कर लिया है। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। तो एकदम नई जैसी ऊन लग रही है हमारी। तो इसको बनाए हुए स्वेटर को 2 साल हो गए हैं, लेकिन पहना नहीं गया था। तो इसको मैं फिर से दोबारा रीयूज़ करूँगी। तो इसको मैंने पहले ऐसे ठीक किया। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या किया था। यहाँ पर मैंने एक पतीला रखा हुआ है और उसके नीचे जो है पोटैटो बॉयल हो रहे हैं पानी डालकर, और इसके ऊपर मैंने एक छलनी जो होती है इस तरह की जाली आती है बर्तन में, तो इसको इसके ऊपर रखना है। उसके बाद हमने केयरफुली इस वूल को, जो हमारा लच्छा है जो हमने बनाया है, इस तरह से इसको इसके ऊपर रख देना है। ये क्या होगा कि ये स्टीम होके बिल्कुल सीधा हो जाएगा और हमारी जो ऊन है एकदम बाज़ार से नई लाई हुई बन जाएगी। ये आप देख सकते हो, धुआं निकल रहा है और जो है ये वूल जो है स्टीम हो रही है। तो 1-2 मिनट आप इसको ऐसे ही रखोगे तो ये एकदम सीधी हो जाएगी। और इसको करना एकदम केयरफुली है कि आपकी वूल जो है जाली के आसपास नीचे नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो आग को पकड़ सकती है। कि जो एक जाली आती है घर में, हमारी बर्तन आता है स्टील का, उसका यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये स्पेस जो होती है कवर होती है और ये छोटे छोटे जो है होल होती है, तो इससे ये वूल को कवर नहीं कर पाता। तो चलिए मैं आपको ये इसको दिखाती हूँ कि हमारा ये कितना हो गया है। तो केयरफुली, ये बहुत गर्म हो जाता है तो आपने किनारे को पकड़ना है। तो ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी हुई है लेकिन धीरे धीरे ये हो रही है। तो इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वूल है सही हो रही है बिल्कुल। तो काफ़ी ये जो है सीधी हो गई है। तो अब हम इसको ऐसे पलट पलट के रखते रहेंगे जिससे कि ये सारी ऊन जो है एकदम सीधी हो जाएगी। और थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि नीचे से फ्लेम बहुत ज़्यादा है, तो स्टीम जो है बहुत गर्म होती है। आप चाहो तो किसी टूल का हेल्प ले सकते हो। तो ये देखिए, पूरी ये स्टीम हो रही है। तो ये देखिए, हमारी जो पूल है बिल्कुल ठीक हो रही है, एकदम नई जैसी। और इसको इस तरह से खोल खोल के हमें सीधा करना है जहाँ पे हमें लगता है। और एक मेन चीज़ है कि हमें इसका किनारा साइड पे ही रखना है क्योंकि उलझ बहुत जल्दी जाती है, तो हम इसको अच्छे से यहाँ से पकड़ कर सीधा कर सकते हैं।
देखिए ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन ये बीच में से थोड़ा सा रहता है, तो इसको यहाँ पर ऐसे खोल खोल के बिछा कर ऐसे ढक देना है, तो ये भी जो हमारा रचा है बिल्कुल यहाँ से सीधा हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पहले ये कितना वेवी था, अभी ये पूरा स्ट्रेट हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है अपनी वूल को एकदम नया बना सकते हैं। तो अभी ये मेरा रचा बिल्कुल देख सकते हो कि तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपके सामने ये दूसरा इस तरह से रख दूँगी, तो इसको भी मैं सीधा कर लूँगी, और ये वाला मेरा जो लच्छा है एकदम बनकर नए जैसा हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने सारे लच्छे जो हैं सीधे कर लिए हैं, और ये एकदम मेरी जो है नई हो गई है। तो अभी मैं इससे एक और स्वेटर बना सकती हूँ, और आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।